नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे कक्षा छठवीं की, हमारा अतीत के नाम से, जो फर्स्ट के नाम से, हमारा अतीत फर्स्ट के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो इसमें अभी तक हम लोग 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में देख चुके थे। इसमें बात करने वाले हैं नए व्यसन नए विचार के बारे में। ठीक है, छठवां चैप्टर है आपका नए व्यसन और नए विचार। ठीक है, याद रखिए, फिर से यही कहूंगा मैं तो, कि कक्षा 8वीं तक की बुक्स के लिए आप लोग एक कहानी की तरह पढ़िए, चाहे फिर एक कहानी की तरह सुनिए, जो भी आपको सुटेबल लगे वैसा करिए, लेकिन इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये तो केवल बेस तैयार करने के लिए आपका एक माध्यम है। तो एक दो बार आप पढ़ेंगे या सुनेंगे, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। अब बात करते हैं हम लोग बुद्ध की कहानी, महात्मा बुद्ध की कहानी। बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 यानी कि 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन भी में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, भी जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से बुद्ध के रोम में जाने गए। वहां से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए और उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कहाँ सारनाथ में, कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा को कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन पर भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। ठीक है, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ पाए। ये आपको दिख रहा है, ये है आपका सारनाथ स्तूप। ठीक है, सारनाथ इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यह बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था यहाँ। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। आप अध्याय 11 में इन स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे।
थोड़ा विस्तार से। ठीक, बुद्ध ने कहा है कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। एक किस्सा गौतमी की कहानी, यह बुद्ध के समय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मिट्टी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी ना किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। अब है उपनिषद। तो यहाँ क्या समझाने का प्रयास किया गया है कि जो इस धरती पर आया है वो जाएगा। ठीक है, फिर है उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूर अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रया ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय दर्शन के 6 पद्धति षड् दर्शन ऐसे बोलते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये शाखाएं वैशेषिक, न्याय, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कर्ण, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न देखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। अब बात करते हैं बुद्धिमान भिखारी या वार्तालाप छंदोग उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। सौनक और अभिप्रेतार्णित नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ये हुई वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। सौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभी पितारिण ने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम यह जानते हैं। भिखारी ने यह पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों से
ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। इसमें विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ गया पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक के ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में स्वीकार किया था। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में आप कक्षा 7वीं में पढ़ोगे। ठीक है, फिर व्याकरण वेद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे हैं। अब बात करते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इससे संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। किसने? वो वर्धमान महावीर ने। वो जंगलों में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, उनकी शिक्षा में शामिल था। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप विचलित थे। विचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सारा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, क्योंकि उनने अपने आप को विजय कर लिया था। ठीक है, अधिकांश अपने आप पर कंट्रोल करने को, जैसे आप अपनी इंद्रियों पर काबू कर लेते हैं, उसे भी जिन कहते हैं, विजेता। ठीक है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्खुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुक्ता व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दी तक मौखिक रूप में रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, फिर आपका संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था
कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदार को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों व गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु या भिक्खुड़ी, साधु भिकारी के लिए प्राकृतिक शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रया बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने में वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। बिहार, पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में भिक्खु भिक्खुड़ी इस शरण में शरण स्थलों में रहकर ध्यान ये है कार्ले की गुफा। ठीक है, बिहार जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में भी अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्खुड़ियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता है। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्रया किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु भिक्खुड़ी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उप महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्र में भी फैल गया। हम लोग अध्याय 9 में जानेंगे इसके बारे में। आश्रम व्यवस्था, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के चरण से, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक चार आश्रमों की व्यवस्था की। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रया स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इस समय उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ठीक है, ईरान,
जरथुस्त एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सदिकार्य, हे ईश्वर बल सत्य विधानता और सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्तवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्तवादी ईरान ने से आकर गुजरात महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने उपयोगी शब्द देख लिए, पृष्ठा हो, प्राकृत हो, आत्मा हो, ब्रह्मा हो, चाहे फिर उपनिषद हो, जैन हो, अहिंसा हो, भिक्षु हो, संघ हो, विहार हो, आश्रम। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें देख लेना अभ्यास के तौर पर, ये हैं कुछ। ठीक है, ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। उपनिषद के विचारक जैन महावीर तथा बौद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुए। जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व। कुछ आपके ये क्वेश्चन है। ठीक है, हो गए। तो ये था आपका छठ वाले चैप्टर, नए प्रश्न और नए विचार। अब बात करेंगे आगे, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, इस चैप्टर पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है।